और इलेक्ट्रिसिटी किस तरह की होती है? इसमें 1 HP का मोटर रहता है, आपको पर आवर 1 से 2 यूनिट आपको पावर कंजप्शन आएगा। दक्षेश भाई, हमें बताएं कि आपके कंपनी में वेफर बनाने की मशीन और दूसरे कंपनी में वेफर बनाने की मशीन में क्या डिफरेंट है? लास्ट 25 साल से ये मशीन बना रहे हैं और हमारे लिए कोई नई मशीनरी नहीं है। हमारे मशीन में जो है, एक तो आपको जो कटिंग आएगा वो एकदम फिनिशिंग वाला आएगा, और फिनिशिंग से क्या है कि ज़्यादा सा तेल नहीं लेता है वेफर। हमारे मशीन में फिनिशिंग ही मेन है और क्वालिटी है। ये जो है उसका रोटर है, सब अलग अलग, ये ओवल और राउंड, लंबा है, राउंड है और ओवल है। और दूसरी एक विशेषता हमारे में ये है कि हम डिस्पोजिबल ब्लेड भी कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, जिससे फिनिशिंग भी अच्छा आता है और क्या है कि आपको कॉस्ट वाइज भी काफ़ी सस्ता पड़ेगा आपको। और डिस्पोजिबल ब्लेड में एक आपको खासियत ये है कि आपको वेस्टेज जो है वो काफ़ी कम गिरेगा, आपको 0% आपको वेस्टेज गिरेगा। दक्षेश भाई, हम ये परचेज करें तो कितनी में, मतलब किसकी प्राइस क्या है? ये हमारे पास 38,000 से लेके 150,000 तक की कैटेगरीज है बनाना वेफर में। काफ़ी तरह का अलग अलग जिनका रिक्वायरमेंट रहता है वो हिसाब से होता है मशीन। ये जो 38,000 का जो मशीन है उसमें आपको खाली केवल राउंड ही होगा आपको, फिर जैसे स्टेप बाय स्टेप जाते जाएंगे 150,000 का जो मशीन है उसके अंदर आप सलाई भी कर सकते हैं, लॉन्ग वेफर भी कर सकते हैं, राउंड भी कर सकते हैं, ओवल भी कर सकते हैं और रफल्स भी आप उसके अंदर बना सकते हैं। और यानी कि सभी तरह की चिप्स हम बना सकते हैं। हाँ। इसके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। हाँ। दक्षेश भाई, हमारे कस्टमर ने आपसे बनाना क्या चिप्स बनाने का, वेफर बनाने का आपके पास से मशीन खरीदा, तो हमारे कस्टमर को किस तरह की आप सर्विस दे सकते हो?